हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय किचन। मैं हूं नेमत और मेरे किचन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आलू, बैंगन और टमाटर की बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक थिक बॉटम कढ़ाई में 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल में 1/2 टी स्पून ज़ीरा डाला है और 2-3 लाल मिर्चों को तोड़कर डाला है। अब यहाँ पर हमें मोटे टुकड़े में कटा हुआ आलू डालना है। तो आलू यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिया है, जिसे धोकर छान लिया था। यहीं पर हमें मोटे टुकड़े में कटा हुआ एक बैंगन डालना है। ये हमारी सब्ज़ी को मॉइस्ट और मज़ेदार बनाएगा। तो 1/2 टी स्पून हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 टी स्पून ही हमने नमक डाला है या नमक स्वाद अनुसार डालने, और यहाँ पर एक बड़ा टमाटर हमने मोटे टुकड़े में काट के डाला है। आप टमाटर ज़्यादा या कम कर सकते हैं। 1/2 कप पानी डाला है और फ्लेम को यहाँ पर हमें तेज़ कर देना है। तेज़ फ्लेम पर उलट पलट कर हमें इसे पकाना है। एक बार खूब अच्छी तरह से उलट पलट कर चला लेने के बाद इसे इकट्ठा कर देना है और ढक्कन लगाकर हमें इसे कम से कम 10 मिनट तक धीमे फ्लेम पर गलने देना है। हमें इसमें न तो ज़्यादा बाहर से पानी डालना है और न ही यहाँ पर फ्लेम को तेज़ करना है। तो अब सूखे मसाले की बारी है। सूखे मसाले में 1/4 टी स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टी स्पून भर कर धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। ये गरम मसाला पाउडर हमारे चैनल पर मौजूद है, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 1/4 टी स्पून ज़ीरा पाउडर है और 1/4 टी स्पून ही हमने अमचूर पाउडर इस्तेमाल किया है, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। 2 मीडियम साइज प्याज को ऑमलेट के प्याज की तरह मोटे टुकड़े में काट लेना है और इसे एक तरफ रख देना है। अब 10 मिनट के बाद जब हमने सब्ज़ी का ढक्कन खोला है तो सब्ज़ी लगभग 50% तक गल चुका है और आप देख सकते हैं कि ये धीमी आंच पर पक रहा है। तो यहीं पर हमें कटी हुई प्याज को डाल देना है। ये अजीब बात है कि मैंने प्याज को लाल नहीं किया है। जी हाँ, इसमें प्याज इसी तरह से डालना है और ये आपकी सब्ज़ी को काफ़ी मॉइस्ट और मज़ेदार बनाएगा। तो यहीं पर हम पाउडर मसाले जो कि इकट्ठा हमने किया था उसको भी डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें, क्योंकि हमें बार बार ढक्कन खोलकर सब्ज़ी को चलाना नहीं है। इससे सब्ज़ी का जो मॉइस्चर होता है वो एस्केप कर जाता है और सब्ज़ी अच्छे से गलती नहीं है, फिर हमें बाहर से पानी मिलाना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम इसे ढककर पकाएंगे और कम चलाएंगे। और प्याज जो हमने कच्चा इस्तेमाल किया है वही इसमें नमी देगा और सब्ज़ी को जलने नहीं देगा, तो इसलिए इसे फिर से एक बार इकट्ठा कर दें और इसे अच्छी तरह से ढककर 10 से 12 मिनट तक दम पर गलने दें। 10 से 12 मिनट के बाद जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी लगभग गल चुका है। इसे आप एक बार आलूओं को प्रेस करके भी देख सकते हैं कि अभी कितना गला है, और अगर आपको लगे कि सब्ज़ी अभी पूरी तरह से नहीं गला है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करें और फिर से इसे 5-7 मिनट तक दम पर गलने दें। यहाँ पर कटी हुई प्याज और बैंगन के टुकड़े इसे बहुत मज़ेदार बनाते हैं, बहुत ही मॉइस्ट रखते हैं और ये बिल्कुल लंच बॉक्स में ले जाने वाला सब्ज़ी तैयार होता है, यानी ना तो बहुत ही पानी वाला और ना बहुत ही ड्राई। तो ऐसी सब्ज़ी आप ढेर सी बना के रखें और इसे 2 बार तो कम से कम ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इसे पूरी पराठे और चावल के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। आप इसे देख सकते हैं कि ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस बार जब आप इस तरह से सब्ज़ी बनाएंगे तो आप इसे बहुत ही मज़ेदार पाएंगे और उम्मीद है इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। यहाँ पर ढेर सारी धनिया की पत्ती डाल लें, एक चुटकी फिर से गरम मसाला डालें, नींबू का रस निचोड़ लें और अगर वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।